नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं न्यूज आप लोगों के लिए, जूनियर भर्ती 2021। इसके अंतर्गत सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पदों पर भर्ती होने हैं और इसके संदर्भ में बाकायदा जीओ इत्यादि जारी कर दिया गया है। लेकिन इसके कुछ विषयों को संदर्भ में लेकर के अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और कुछ अभ्यर्थियों ने इसके संदर्भ में संपर्क भी किया, जैसे अर्हता को लेकर के था, विषयों के चयन को लेकर के था। तो इस पर इसलिए ये लेक्चर आप लोगों के लिए जो बनाया गया है कि इससे एक आप मको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आप अपनी तैयारी जो है एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम क्रमवार इसको चार बिंदुओं में विभाजित किए हैं। पहले तो योग्यता है, दूसरा प्रश्न पत्र की संरचना है, तीसरा विषय का चुनाव और अगला है परीक्षा की रणनीति। तो इस पर हम बात करेंगे। योग्यता का तात्पर्य इसकी जो है, जो इनिशियल जो जरूरी योग्यताएं हैं उस पर हम बात करेंगे कि इसमें आपके लिए स्नातक होना आवश्यक है और प्लस 2 वर्षीय और शिक्षण कोर्स, 2 वर्षीय बेसिक में प्रशिक्षण कोर्स करना है। और अगर यह डिग्री नहीं है तो यहां पर या लगेगा और या के बाद यहां पर बीएड की डिग्री मानी जाएगी। यद्यपि यहां पर यह बीएड के साथ में आपको स्नातक में 50% अंकों के साथ पास होना आवश्यक है, परंतु यहां पर 2 वर्षीय बेसिक में प्रशिक्षण के लिए स्नातक में 50% योग्यता की बात नहीं कही गई है। लेकिन जहां जहां पर उसने या करके बीएड को कहा है वहां पर स्नातक के लिए 50% योग्यता का होना आवश्यक है। स्नातक में आपके पास 50% अंक होने आवश्यक हैं। इसके साथ में प्लस जो है एक तीसरी डिग्री जो है पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा। तो कुल मिलाकर के जो बेसिक आपके पास योग्यता होनी चाहिए वो 3 है, स्नातक होना चाहिए, प्रशिक्षण का कोर्स होना चाहिए वो 2 वर्षीय बेसिक जो प्रशिक्षण हो सकता है या बीएड हो सकता है। किंतु जब आप बीएड के साथ जो है दावेदारी करेंगे, आप अपने जो है आवेदन करेंगे, तो वहां आपके पास स्नातक में 50% अंकों का होना आवश्यक है। इसके साथ में आपको पात्रता परीक्षा पास करना होगा। पात्रता परीक्षा में आप टीईटी यानी कि यूपी टेट और आपली जो है सीटीईटी की परीक्षा में से कोई भी एक जो है आपके पास प्रमाण पत्र पात्रता परीक्षा के संदर्भ में होना चाहिए। ये भर्ती के लिए जो है आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन की जो जरूरत है। इसके बाद हम प्रश्न पत्र की जो है संरचना पर बात करेंगे। प्रश्न पत्र की संरचना आपके लिए जो है 2.5 घंटे का जो है पेपर होगा और इस 2.5 घंटे के जो है प्रश्न पत्र में जो है 50 प्लस 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और ये 150 अंकों का होगा। और इस 150 अंकों में जो क्वालिफाई करने की शर्त रखी गई है वो 65% और 60%, जिस तरीके से पिछली बार प्राइमरी की भर्ती में रखा गया था सेम उसी तरीके से 65% और 60% क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 65% और इसी तरीके से एसटी एससी ओबीसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या भूतपूर्व सैनिक, इस सब वर्गों के लिए यहाँ पर 60% अंकों को बनाया गया है और यह उसका न्यूनतम अंक होगा। भले ही सीट खाली जाए परंतु ये अंक आपको प्राप्त करना ही करना होगा, तभी आप जो है उस गुणवत्ता सूची में शामिल हो पाएंगे। तो योग्यता जो बेसिक है और प्रश्न पत्र की संरचना में ये बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसके साथ में जो है एक और उसमें पद सहायक अध्यापक के साथ साथ जो है प्रिंसिपल के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए पद दिया गया है। वहां पर यहाँ 150 अंकों के साथ साथ एक 50 क्वेश्चन का जो है शैक्षिक प्रबंध प्रशासन का जो है क्वेश्चन होगा, शैक्षिक प्रबंधन आवरी जो है प्रशासन करके एक प्रश्न पत्र आएगा और यह जो है 1 घंटे का होगा। और इस तरीके से
यह दूसरा प्रश्न पत्र होगा, पहले प्रश्न पत्र जो है दोनों के लिए सेम होंगे, दूसरे में शैक्षिक प्रबंधन क्योंकि वो प्रिंसिपल है और स्कूल में एक प्रबंधन मैनेजमेंट की जरूरत होगी जहां पर प्रबंधन से रिलेटेड सामान्य किस्म के सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन की संख्या 50 होगी, घंटे 1 दिए जाएंगे और इस तरीके से यहां पर दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 200 अंकों का पेपर होगा और क्वालिफाइंग स्तर सेम यहां निर्धारित यही है, लेकिन यहां पर इनके लिए जो बेसिक योग्यता जो अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया वो सेम रहेगा, साथ में जो है 5 वर्ष, साथ में 5 वर्ष की जो है टीचिंग का जो है अनुभव, साथ में 5 वर्ष के टीचिंग का अनुभव होगा और यह है जूनियर हाई स्कूल में या उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो इसके साथ में जो है ये दोनों ही पदों के लिए अलग प्रश्न पत्र और अलग योग्यता की बात कही गई है, योग्यता में यहाँ पर 5 वर्ष बेसिक योग्यता में 5 वर्ष का अनुभव और प्रश्न पत्र के स्तर पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन के एक पेपर 1 घंटे का और होगा जो कि शैक्षिक प्रबंधन के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे योग्यता और संरचना प्रश्न पत्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि विषय के चुनाव को लेकर के है, विषय के चुनाव को लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के प्रश्न जो विषय है वो 3 वर्गों में बांटा गया है यहाँ पे का खा और गा में। यहां पर जो है हिंदी / संस्कृत / अंग्रेजी ये 3 है, दूसरे में सामाजिक विषय है, सामाजिक विषय है और तीसरे में जो है गणित यौन विज्ञान। यहां पर एक चीज ये ध्यान में रखना है कि ऐसे स्टूडेंट जो बीएससी में जो है बीएससी जिन्होंने किया हुआ है चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या ज्योलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन से हो उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो ग्रुप सी में यानी कि गा से प्रश्न पत्र करेंगे और चूंकि यहाँ पर या ना लिख करके गणित यौन विज्ञान लिखा है और यहाँ दोनों से मिला करके 100 प्रश्न आएंगे अर्थात गणित और विज्ञान दोनों के ही प्रश्नों को पढ़ना आवश्यक होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा यदि कोई भी व्यक्ति सामाजिक विषय के अंतर्गत 4 प्रकार के विषय आते हैं और इन 4 विषयों का अध्ययन अगर स्नातक स्तर पे जो है 4 विषयों में से किया हुआ है तो वो इसके स्तर पर आएगा और ये उच्च टीटी जो उच्च स्तर पर पढ़ाने के लिए पात्रता परीक्षा है उसमें भी उन्होंने सामाजिक विज्ञान ही पास किया होगा, यद्यपि यह पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र में लिख करके नहीं आता है परंतु उसके स्नातक से ये बात स्पष्ट होती है कि वो किस विषय में जाना चाहता है और चूंकि जिस विषय की उसने पढ़ाई किया हुआ है उसी का वो प्रश्न हल कर सकता है, इसलिए उसके लिए ये जरूरी है कि वो सामाजिक विषय के ही प्रश्न पत्र को टच करे क्योंकि जो इतिहास भूगोल पढ़ा हुआ है वो मैथ और साइंस से क्वेश्चन उतनी आसानी से हल नहीं कर पाएगा इसलिए वो यहाँ पे जाएगा। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी यहाँ पर ये लगाया हुआ है कि मतलब ये सभी में जो है या लिखा हुआ है, इन तीनों में से कोई एक और प्रत्येक से जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, प्रत्येक से जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और उनमें से कोई एक करना होगा। यदि कोई स्नातक में हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी पढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है। समस्या अब इसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी प्रकृति किसी एक प्रकार के वर्ग में स्पष्ट रूप से नहीं आती है, जैसे कॉमर्स, दूसरा है BSc होम साइंस, तीसरा है BSc AG, चौथा है BTEC। तो ये जो 4 टाइप के कोर्स हैं यहां पे समस्याएं आती हैं। कॉमर्स की प्रकृति जो है किसी भी विषय में स्पष्ट रूप से नहीं आता परंतु ये साहित्य में तो आ नहीं सकता और गणित विज्ञान में इसे शामिल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि गणित और विज्ञान की प्रकृति पूरी तरीके से अलग है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर जूनियर के स्तर पर भर्ती करना है तो ये सामाजिक विषय के दायरे में आएगा और सामाजिक विषय के दायरे में आना चाहिए। यद्यपि इस तरीके की जो है वर्गीकरण
शासन के स्तर से या आयोग के स्तर से नहीं किया गया है, इसलिए ये मान के चलना है कि कॉमर्स के स्टूडेंट को सामाजिक विषय में जाना चाहिए। चूंकि बीएससी होम साइंस, बीएससी एजी यानी कि कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान और बीटेक में तो ऑलरेडी विज्ञान गणित की चीजें पढ़ाई जाती हैं और इनमें ऑलरेडी विज्ञान लगा हुआ है, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट जो है वो विज्ञान की श्रेणी, विज्ञान और गणित की श्रेणी में जो है आना चाहिए, क्योंकि ये साहित्य में आ नहीं सकते हैं और सामाजिक विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र से इनका किसी भी प्रकार से प्रकृति मिलता नहीं है, लेकिन विज्ञान सभी में लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें जो है गणित और विज्ञान की श्रेणी में आना है। यदि कोई होम साइंस एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ है और उसके साथ में वो सामाजिक विषय भी पढ़ा हुआ है तो वो सामाजिक विषय में जाएगा, परंतु किसी ने बीएससी होम साइंस किया हुआ है यानी कि गृह विज्ञान से बीएससी कर लिया, क्योंकि जब वो होम साइंस को एक विषय के रूप में पढ़ता है, अन्य विषयों को वो अपने में शामिल नहीं करता है, कोई अन्य विषय वो नहीं लेता है स्नातक स्तर पर, तो वो बीएससी होम साइंस की श्रेणी में आता है और ऐसी स्थिति में उसे यहाँ पर विज्ञान की श्रेणी में आना होगा। और उसने अगर ये विषय लिया हुआ है तो उच्च स्तर की टीईटी की परीक्षा में उसने गणित और विज्ञान को ही हल किया होगा। यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है और उसे समझ लेना आवश्यक है, यहाँ पर आप जो विषय चुन रहे हैं वो अर्हता से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस श्रेणी के जो भी कॉम्बिनेशन होंगे पेपर के 100 क्वेश्चंस के, उसको हल करना होगा। अब आप अपने अनुसार ये देखने का प्रयास कीजिए कि आपके जो विषय हैं, आपकी जो जानकारी है, वो तीनों वर्गों में से किसके अनुरूप ज्यादा बनती है और उसी में जो है आपको हल करना है, क्योंकि आवेदन करने के लिए इस तरीके की कोई बाध्यता नहीं की गई है। आवेदन के समय कभी किसी विषय का जो है चयन नहीं करना है, तो आपको प्रश्न पत्र हल करने के दौरान ही एक को चुनना है और उसे आपको चुनना है जो आपने टीईटी की परीक्षा देते समय निर्धारित किया हुआ था और जिसमें आप अपने आप को सहज पाते हैं। अगली बात और पॉइंट ये है परीक्षा की रणनीति। आप यहां पर जूनियर हाई स्कूल यानी कि 6 से लेकर 8 तक के जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं, यहाँ पर आपका स्तर जो है इंटरमीडिएट से ऊपर होगा और स्नातक के जो है आसपास या स्नातक से कम होगा। इसके बीच के जो स्तर होंगे उस तरीके के विषयों पर आधारित आपका प्रश्न पत्र यहाँ पर पूछा जाएगा, तो स्नातक या इसके आसपास या थोड़ा सा उससे ऊपर के जो है स्तर के अध्ययन सामग्री से आपको सवाल पूछे जाएंगे और उसे आपको हल करना होगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आप सबसे पहले एनसीईआरटी के लेवल की जो है बुक्स जो कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के हैं, कम से कम उसे विधिवत ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत स्टैंडर्ड लेवल की अगर बुक्स को जो है यहाँ पे बताया जाए तो वो ना केवल एग्जाम के लिए बचे हुए कम समय में पढ़ना असंभव है, बल्कि ये जो है परीक्षा के स्तर के अनुरूप भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको इन विषयों के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल यानी कि 9 से लेकर 12 तक की किताबों का आप विधिवत ढंग से अध्ययन कीजिए। इसके पूर्व में जो भी अभी तक पेपर जैसे ELT के एग्जाम हो, क्योंकि वो भी 9 से 10 तक पढ़ाया जाता है और चूंकि ये अभी परीक्षा पहली बार इस तरीके से आयोजित की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कुछ न कुछ क्वेश्चन वहां से मिलते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप ELT के जो एग्जाम हुए हैं, इसी तरीके से TGT के जो एग्जाम हुए हैं, इन सभी जो है जिन भी विषयों में आप आवेदन कर रहे हैं, जिन भी विषयों की आप तैयारी मानसिक स्तर पर कर रहे हैं, वहां उन विषयों से संबंधित ELT और TGT या इसके समकक्ष आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों को आपको विधिवत ढंग से व्याख्या सहित अध्ययन करना होगा। यह रणनीति आपके लिए है। अगला एक और इंपॉर्टेंट चीज है परीक्षा के आयोजन की तिथि को लेकर के, अप्रैल में इसकी तिथि जो है अभी तक घोषित की गई है, हालांकि यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर के उस पर अभी भी कसमकस की स्थिति बनी हुई कि ये परीक्षा आयोजित हो पाएगी या नहीं, फिर भी आपके लिए जो परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे, इस बात को मान करके कि परीक्षा उसी तिथि पर आयोजित होगी। यद्यपि चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रशासनिक और व्यावहारिक स्तर पर समस्याएं हैं, यदि चुनाव उस तिथि के आसपास
होता है, जबकि इस तरीके की जो तैयारियां चुनाव की चल रही हैं उसी के आसपास होने की संभावना है, तो परीक्षा टल भी सकती है, परंतु आपको अभी ये मान करके चलना नहीं है। आपको परीक्षा उसी तिथि पर आयोजित होगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने समय और संसाधन को पूरी तरीके से उस दिशा में एकदम विश्वास के साथ जो है खर्च करना होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी तैयारी उस दिशा में जारी रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप न केवल दावेदारी प्रस्तुत करेंगे बल्कि एक सीट आपका होना वहाँ पे पक्का माना जाएगा। तो आज के संदर्भ में, आज के इस लेक्चर में जूनियर भर्ती के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ तो जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।